ये एक महिला द्वारा आरोप लगाए गए हैं एक व्यक्ति पर कि उसको मतलब झांसा दिया गया और फिर उससे शादी करने से इनकार किया गया है। गंभीरता को देखते हुए तत्काल CO3 जो यहाँ पर हैं महिला अधिकारी हैं उनको मौके पर भेज दिया गया है और जैसा भी आगे की कार्रवाई होगी आपको बता दिया जाएगा। ये अभी इसको प्रार्थना पत्र में आरोप लगे हैं और इसको अभी तस्दीक करना है कि किस पे लगे हैं क्या लगे हैं, उसमें मौके पर भेज दिया गया है CO को, जो भी आख्या आती है उस हिसाब से अवगत करा दिया जाएगा। नगड़ी क्या हुआ सर? सूचना प्राप्त हुई कि और निहालपुर बाजार के आगे एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दिया गया है। इस सूचना पर घटनास्थल पर पहुंचे तो देखे कि NHA से कौन दिशा है दक्षिण दिशा में खेत के पास एक लाश पड़ा हुआ है, देखने पे ऐसा प्रतीत होता है गोली मारा गया है और विशेष जानकारी अभी उपलब्ध है नहीं। सर व्यक्ति कहाँ के थे, क्या करते थे, कुछ जानकारी? हाँ, उनके पास से उनका ID कार्ड मिला है, वो बारसलीगंज नवादा के हैं। अशोक चंद क्या नाम, आलोक चंद्र उनका नाम है। क्या करते थे? उनके ID कार्ड जो मिला उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा का ID कार्ड है उनके पास, बैंक का है, वो बैंक एम्प्लॉय थे। सर घटनास्थल से कुछ बरामद भी हुआ? हाँ, घटनास्थल से 3 खोखा बरामद हुआ है। मारने वाले कौन थे कुछ नहीं, ये कुछ ये जानकारी नहीं है। तो किस चीज़ से जा रहे थे? ये तो मोटरसाइकिल बुलेट से, अपने बुलेट से जा रहे थे, तभी घात लगा के मारते। हाँ, कल रात को मेरे द्वारा जो भ्रमण किया गया था क्षेत्र में, उसी आधार पे जो कुछ इंफॉर्मेशन गैदर की गई थी उसी पे छापेमारी करते हैं। कुछ जो नशे का कारोबार कर रहे हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, साथ ही कुछ ऐसे लोग पकड़ में आए हैं जो नशे की खरीदो फूक कर रहे थे और इसी के साथ जो खुले में शराब पीने से की तमाम लोगों को परेशानी हो रही थी, ऐसे लोगों को भी फिलहाल कस्टडी में लिया गया और कई अन्य जगह पर भी छापेमारी चल रही है। हमारा प्रयास है कि जो भी इस तरह का अपराध जो हो रहा है उसके ऊपर पूरी तरह से लगाम। मैंने एक दुखद घटना घटी है जिसमें कि 11 kV का बिजली का तार टूट के जमीन पर गिरा हुआ था, जिसमें कि एक प्राइवेट स्कूल धोवल बाजार में स्थित है, उसके मैजिक वान था जिसमें कि जिससे कि स्टूडेंट्स को ले जाया लिया जाता है, वो ड्राइवर शायद टूटे हुए तार को नहीं देख पाया, उसको चढ़ा दिया, जिससे कि 2 बच्चों की मृत्यु हो गई है जलने से, 2-3 बच्चे और हैं जो कि घायल हैं। ड्राइवर लगभग 40% उसको बर्न इंजरी हुई है, उसका इलाज अभी चल रहा है। क्या कर दिया जाए, क्या ये पुलिस के लिए चुनौती नहीं है? ये मेरे लिए बिल्कुल चुनौती है और अगली घटना ना हो उसको रोकना भी चुनौती और इस घटना को खुलना भी मेरे लिए चुनौती है। सर गश्ती दल पर सवाल नहीं उठता क्या? इसको हम लोग चुनौती के रूप में लिए। दो कस्बों में घटना होने के बाद जिले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या एक लोगों में कैसे सुरक्षा का भावों के रात में वो लोग सुरक्षित रहे, क्या एक इसके लिए हमारी कोशिश है कि आगे कोई घटना ना हो और जो इनसे संलिप्त है वो उन सबकी तत्काल गिरफ्तारी हो। सर दोनों घटना हुए सर, क्या और 5 लोग घायल हुए, क्या मामला है पूरा? बस्ती किनारे एक मकान है, उसमें रात में ही कुछ बदमाश थे, उसमें मार्केट में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 5 लोग इसमें 4 लोगों को रेफर किया गया निकाल के। सर डकैती घटना के बाद लोगों में आक्रोश है, मांग कर रहे हैं, किस बात की जाम जो लगाया है? क्या जाम भी लगाया है? तो कार्रवाई की जा रही है क्योंकि मांग की तो इसमें सब कार्रवाई हो और खाने की कार्रवाई को किया जाए और जल्दी से डाले सब टीम लगा दी गई, सरनाथ की टीम इसमें लगी गई और अभी सारी टीमें बनाकर इसमें डायल 100 को फोन किया गया लेकिन 1 घंटे बाद पहुंची है, क्या कहेंगे इस बारे में, क्या चलता है? डायल 100 का जो था कि नसी ही सूचना मिली तत्काल गाड़ियाँ मौके पर। सर अमापुर कसावासियों का कहना है कि यहाँ पर जुआ होता है, जुआ के बाद जो लोग हारते हैं वो इस तरह की घटनाओं को वारदात देते हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? आप एक इंसिडेंट हमारे सामने आया है, कंप्लेंट मिली है थाना सनलाइट कॉलोनी में, उसके ऊपर अभी लीगल एक्शन ले रहे हैं और मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और अभी उसमें तफ्तीश अभी की जाएगी। क्या इसमें लड़की ने क्या कंप्लेंट दी है? कुछ रेसिडेंट्स हैं जिस कॉलोनी में रहते हैं, कुछ और रेसिडेंट्स हैं, कुछ ही मुद्दे को लेकर उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है, उनके साथ मारपीट हुआ है, ऐसा एलिगेशन है
तो और अभी पूरे कंप्लेंट के बेसिस पे जो भी एलिगेशन है उसके ऊपर हम सर इससे पहले भी कंप्लेंट दर्ज हुई दोनों पक्ष के बीच में पहले भी कुछ कंप्लेंट्स इस तरह से काउंटर कंप्लेंट्स भी दर्ज हुए हैं केसेस भी दर्ज हैं सर क्या कश्मीरी होने की वजह से जैसे टिप्पणियां भी दी गई थी उसको तो कहीं मतलब ये एंगल तो नहीं कि कश्मीरी होने की वजह से हमारा जो उसके शिकायत में जो भी एलिगेशन है तमाम चीजों का जांच किया जाएगा इलाहाबाद में आज एक बड़ी घटना हुई नहीं आज एक हत्या की घटना हुई जिसमें एक एडवोकेट की हत्या हुई है और हम लोगों ने इसे बहुत ही सीरियसली लिया है और हम उस अभियुक्तों को गिरफ्तार करेंगे हमने सारी व्यवस्था कर ली है माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 लाख रुपए की घोषणा भी की है कंपनसेशन के तौर पे और हम उस पर कार्रवाई करेंगे बहुत जल्द गिरफ्तार होगी बहुत जल्द सीसीटीवी फुटेज पे भी कार्रवाई होगी अब मोटिव का पता लगाया जाएगा अभी तक तो बताया जा रहा है कि लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स है लेकिन धीरे धीरे पता लगाया जाएगा